चलिए देखिए लीवरेज चैप्टर। सबसे पहले लीवरेज का मतलब देखेंगे कि ये चैप्टर लास्ट क्लास में हमने देखा था। वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमें क्या बताता है, फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि हम किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेंगे। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड जो होगा उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा। और कुछ ऐसे क्विक टेक्निक्स देखेंगे जिसके अंदर के हमें किसी भी काम को बस डिजिट देख के मैनेजमेंट को समझ आ जाए कि यहाँ पे ये कमी है। उसमें से एक है लीवरेज। अब लीवरेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली लीवरेज को सीखा क्यों जाता है। अगर ये लीवरेज की बात करूँ तो लीवर वर्ड से बना ये चैप्टर हमारा लीवरेज। सर लीवर क्या होता है, लीवर की मैं अगर बात करूँ तो कम एफर्ट लगा के, जैसे आप मान करते हैं कि मान लेते हैं कि आपने हैंड पाइप देखा होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अगर हैंड पाइप के अंदर जिस जो हैंडल होता है अगर मैं वो निकाल दूं और आपको बोलूं पानी भरो तो कितना एफर्ट लगाओगे, कंपैरेटिवली बताओ। अगर मैं हैंड पाइप का हैंडल निकाल दूं तो हैंड पाइप का हैंडल भी काइंड ऑफ लीवर है, वो उसे लीवर भी बोलते हैं। अगर उसे हटा दिया जाए और फिर बोला जाए आप पानी उससे निकालिए, अपने हाथ से उसको आप पुल करिए, तो वो बहुत मुश्किल वाले काम है। लेकिन वही चीज़ अगर लीवर हमने यानी हैंड पाइप का हैंडल लगा दिया तो वो कितने आसानी से हो जाएगा। तो सर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे यही मतलब है कि हम सेल्स को थोड़ा बढ़ाएंगे और प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हैंड पाइप का, तो हमने एफर्ट कम लगाया और पानी ज़्यादा आ गया। तो सेम यहाँ सेल्स को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, अगर मान लेते हैं सेल्स को हम 10% बढ़ाते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रॉफिट 100% बढ़ जाए। यानी अगर हम सेल्स को सेम कम करते हैं 10% तो हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट 50% कम हो जाए। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन देखेंगे और ये सारा का सारा डिपेंड होता है हमारा रिस्क पे, या रिस्क। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क क्या है, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लो बंद होने का एक ही रीज़न होता है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स कॉस्ट नहीं है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन हंसते खेलते बिजनेस को चलाता रहेगा, कस्टमर आए चाहे ना आए। मेजरली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो भाई जितने कस्टमर होंगे उतना सामान रखेंगे दुकान में, लेकिन जो रेंट है वहां का, आपने जितने भी शॉप देखे होंगे शोरूम देखे होंगे क्यों बंद हो जाता है, भाई रेंट ज्यादा था नहीं चल पाया। अगर वही रेंट नहीं होता तो वो शोरूम आज भी देखते जो कि बंद हो चुका है। यहाँ पे तीन टेक्निक्स है, एक है ऑपरेटिंग से रिलेटेड जिसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है हमारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड जिसको बोलेंगे हम फाइनेंसिंग लीवरेज, एक इन दोनों से रिलेटेड जिसे बोलेंगे हम कंबाइन लीवरेज। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि पूरे सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होने वाला है, और वो इनफैक्ट आप सभी को थोड़ा बहुत आता है लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उस चीज़ों को सीखेंगे। एक इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, बेसिकली एक हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं और ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम जो स्टार्ट होता है ना वो कहां से स्टार्ट होता है बताइए, वो स्टार्ट होता है सेल्स से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ही नहीं है तो इनकम निकाल पाओगे क्या, उसका नहीं निकल सकता। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा होता है क्या, सेल्स। जो भी अमाउंट होता है, मान लेते हैं मैं एक अमाउंट भी ले लेता हूं नॉर्मली 1000 रुपए। अब सेल्स जो किया है, इस सेल्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स होता है सेल्स में। सर सेल्स में तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, वीसी लिख दिया है ना, जैसे कि कोई भी सामान बेच रहे हो तो वेरिएबल होगा। एक कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या होता है हमारा, फिक्स कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो सेल्स नहीं होगा, इन दोनों को बोलते हैं हम टोटल कॉस्ट। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में देखा होगा आपने, 12th 11th स्टैंडर्ड में जो आपका एक चैप्टर था कॉस्ट के नाम से, उसके अंदर देखा होगा। अब इसके अंदर और क्या ऐड कर दिया जाए, प्रॉफिट, तो क्या बनता है हमारा, सेल्स। सिंपल सा लॉजिक है सेल्स का, ठीक है ना। तो हमारा सेल्स की बात करें
तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो पहले हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालना के माइनस करना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट सपोज एग्जांपल के वेरिएबल कॉस्ट हमारा 40% है, तो बताइए क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट, 400 रुपये आएगा। अब जो माइनस करके आएगा ना वो पता है क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करके आएगा, नाम अलग है, सेल्स में से अगर मैं टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट निकल जाएगा। आप सोचिए अगर सेल्स में से मैं इन दोनों हिस्से को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर सेल्स में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट्स को माइनस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट, तब भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो नाम दोगे, तो उसका नाम देते हैं हम क्या, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, 600 रुपये। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर देखा जाए, आप ध्यान से सोचो, तो सर कंट्रीब्यूशन है क्या, बेसिकली कंट्रीब्यूशन है हमारा फिक्स कॉस्ट। अभी दो चीज़ें माइनस होने रह गया, फिक्स कॉस्ट और, यानी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या है, अभी हमारा सेल्स में से क्या माइनस कर दिया, वेरिएबल, और दूसरी तरफ से मैं कह सकता हूँ इन दोनों का टोटल है ना। आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप यहां से अगेन माइनस करोगे, पहले ये कंट्रीब्यूशन समझ में आया, यानी हमने अभी तक लाइफ के अंदर ये देखा है कि भाई सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस करिए रिजल्ट प्रॉफिट, यही करते थे ना, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करिए क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट। लेकिन नाउ अब हम कॉस्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे, कॉस्ट के कितने कॉम्पोनेंट्स हो गए, दो, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट एक फिक्स। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ माइनस करेंगे तो एक नया नाम जनरेट होता है जो कि हम सीखते हैं यहां पे, उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं क्या फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है अभी देखेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं फिक्स कॉस्ट, मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है हमारा 200 रुपये, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों मिला दो तो टोटली माइनस हो गया ना। और अब हम प्रॉफिट को बोलेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। तो ईबीआईटी अगर आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा क्या सर, 400। इसका मतलब क्लियरली है कि अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि अर्निंग बिफोर वो वाला अर्निंग है जिसमें से अभी माइनस नहीं हुआ है। क्या क्या, एक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, एक टैक्स नहीं माइनस हुआ। नाउ मैंने यहां से इंटरेस्ट अगर माइनस कर दिया, सपोज यहां से अगर मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आप बताइएगा, अगर मैं यहां से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो एक आई हट जाएगा तो ये आ जाएगा ई बी आई टी, अच्छा ई बी टी आएगा, बिल्कुल ठीक ई बी टी आ गया हमारा क्या, 300। क्या अभी इसमें से टैक्स माइनस हो गया है, नहीं, इसलिए अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है हमारा, नॉर्मली एग्जामिनर तो आपको फिक्स कॉस्ट देगा, लेकिन पता करने के लिए मैं बता देता हूं, फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है आपका जैसे रेंट हो सकता है हमारा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का रेंट हो सकता है या कुछ भी अदर फिक्स कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका। अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट किसी के ऊपर भी हो सकता है, किसके ऊपर हो सकता है, या तो लोन के ऊपर हो सकता है या हो सकता है किसके ऊपर, डिबेंचर के ऊपर हो सकता है इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट नहीं होता, उस पर डिविडेंड होता है, भले ही परसेंटेज होता है लेकिन उस पर हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड है। अब इसमें से हम क्या माइनस कर दें, टैक्स। सपोज टैक्स है मेरा 50%, तो अब जो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आएगा 50% किसका निकाले, इसका निकालेंगे तो आएगा 150। तो अब मेरे पास 150 जो आया है वो आ गया EAT। अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, इस पे दो लोगों का अधिकार होता है, किस किस का राइट होगा, 2% का, एक तो राइट होगा हमारा किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, एक राइट होगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो नाम से ही क्लियर है प्रेफरेंस शेयर, तो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद किसको दिया जाएगा। तो अब हम अगर इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, PSD लिख रहा हूं मैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिख दिया मैंने। अगर मान लेते हैं सपोज 50 रुपीज का है,
कैसे आया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये मुद्दे की बात नहीं, आपको अच्छे से पता है फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का अगर पता हो, और अगर मैं 10% 9% जो भी दूं मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारा 100 रुपये। 100 रुपये क्या आया, ये आ गया अर्निंग फोर, किसका पैसा बचा अभी ये सारा, तो इसके आगे लिख देंगे इक्विटी अर्निंग फोर। अब जो ये 100 रुपीज है ना, इसके भी दो हिस्से हो सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे मुझे सारा दे दो तो वो हो जाएगा डिविडेंड, या तो हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले बोले कि मुझे थोड़े से डिविडेंड के रूप में दे दो और थोड़े रख लो तो वो हो जाएगा रिटेन अर्निंग। तो जो ये आया ना, अगर मैं इस वाले प्रॉफिट को, कौन से अर्निंग फॉर इक्विटी, इस वाले प्रॉफिट को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, तो जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो इसको बोला जाता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर। मान लेते हैं 100 रुपये आया और हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं कि 50 शेयर्स हैं, 50 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो भाई मैंने कमाया कितने 100, कितने शेयर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिवाइड किससे कर देंगे, यानी हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितना आएगा, तो इसे बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। शेयर होल्डर ने 2 रुपये हर शेयर पे कमाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 2 रुपये शेयर होल्डर को दे ही दिए जाए, अगर यही 2 रुपये मैं शेयर होल्डर को दे दूंगा तो इसको बोला जाएगा डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैन बी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर व्हेन, जबकि यहां पे आपका क्या हो जाए, सारा का सारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। समझ रहे हो बात को आपको, तो यहां पे सिंपली देखा जाए तो पहले ये समझ में आए, मैं फॉर्मूला बाकी लिखूंगा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप बोलोगे सर क्या ये लीवरेज चैप्टर का चल रहा है, अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा चैप्टर का। इस 100 रुपीज के दो हिस्से कर देते हैं, शेयर होल्डर से हमने बोला, रिक्वेस्ट किया कि शेयर होल्डर हमने 100 रुपये तो कमाया है जो आप में बांटने हैं, लेकिन कंपनी को फ्यूचर को देखते हुए, कंपनी को फ्यूचर में और प्रोग्रेस करते हुए हम सोच रहे हैं कि इस बार आपको 20% दे देते हैं और बाकी हम बचा के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं। देखिए अगर आप ऐसा परमिशन देंगे तो फायदा क्या होगा, अगर आप बोलते हैं नहीं हमें सारा का सारा 100 रुपये दे दिया जाए तो मुझे प्लांट मशीनरी तो लेना ही लेना है, मैं कर्जा लूंगा तो कर्जे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब इंटरेस्ट दूंगा तो अगले साल प्रॉफिट कम आएगा, और अगले साल प्रॉफिट कम आएगा तो इम्पैक्ट तो आपके ऊपर ही पड़ा, आपका ही नुकसान हो रहा है एक तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस साल आप थोड़े से कम पैसे ले लें और थोड़े पैसे मशीनरी में यूज़ कर लेंगे, तो यानी मैंने रिक्वेस्ट करके 60 रुपीज बचा लिए और बाकी के 40 रुपीज मैंने सोचा आपको दे दिया जाए। तो जो 60 रुपीज बचा इसे बोला जाएगा रिटेन अर्निंग। आपको पता होगा बचाने को क्या बोला जाता है, रिटेन, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, रिटेन अर्निंग। और जो आपको दे दिया जाए इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिविडेंड। सर डिविडेंड का भी फॉर्मूला होता है, एक चैप्टर भी हमारा डिविडेंड का वहां सीखेंगे, जिसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। अगर आपसे पूछा जाए डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे, तो 40 रुपीज मैंने बांटने हैं और मेरे पास शेयर होल्डर मैंने बोले थे 50 हैं, तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे तो क्या आ जाएगा, हर एक शेयर होल्डर के लिए कितने का डिविडेंड है, वेरी सिंपल। तो यहां पे हम फॉर्मूले की बात नहीं करते, तो ये सारा का सारा हमारा सिचुएशन चलता है किस चीज का, एक इनकम स्टेटमेंट का, और ये जनरली हर जगह यूज होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या होता है बताओ, सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं हम, तो जो नया रिजल्ट आता है उसे कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है फिक्स, उसके बाद ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद अगर इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी, टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद दो लोगों का पैसा होता है, किस किस का सर पैसा होता है यहाँ पे, एक होता है प्रेफरेंस शेयर का, एक इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर का जब माइनस कर देते हैं तो बचा इक्विटी का, जब इक्विटी का बचा तो वहां के भी दो हिस्से हो सकते हैं, या हो सकता है रिटेन अर्निंग हो या हो सकता है डिविडेंड हो। समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूं चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने रखा रिस्क, तो कहां पे आपका रिस्क है, क्या वेरिएबल कॉस्ट में आपका कभी रिस्क होता है, तो जवाब है नहीं। 4 कस्टमर है तो मैं 4 कस्टमर के हिसाब से सामान लाऊंगा,
दो कस्टमर है तो दो कस्टमर के हिसाब से सामान लाऊंगा, 10,000 कस्टमर है तो हम 10,000 के हिसाब से सामान लेंगे। तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना, जो कि कस्टमर के हिसाब से या यूनिट सोल्ड के हिसाब से लाते हैं, तो इसमें तो रिस्क ही नहीं है। क्या फिक्स कॉस्ट में रिस्क है? बिल्कुल है, यहां पे रिस्क है। सर कैसा रिस्क है? अगर कस्टमर नहीं आया तब भी हमें अपने पॉकेट से, अगर कस्टमर आ गए तब तो कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर ही नहीं आया तो हमें अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो एक तो रिस्क यहाँ है, यानी जब हम कैलकुलेशन या चैप्टर को हम सीखेंगे तो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा और इसके हर एक चीज़ों को सीखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। EBIT तो माइनस करके आया है। क्या इंटरेस्ट में रिस्क है? मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ब्याज तो देना ही देना है। हमने तो लोन ये सोच के लिया था कि हम बिजनेस के अंदर मशीनरी ला रहे हैं, खूब प्रोडक्शन करेंगे और खूब बेचेंगे। मशीनरी लिया आया, खूब प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन बिक ही नहीं रहा, ब्याज तो देना ही पड़ रहा है। तो यहां पे भी आप कह सकते हो क्या है हमारा रिस्क है। क्या टैक्स में रिस्क है? टैक्स तो जितना कमाओगे उतना तो देना ही देना है, तो इसमें आपका रिस्की फैक्टर कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा टैक्स दोगे वो उतनी आपकी ज्यादा अर्निंग है। क्या प्रेफरेंस या डिविडेंड में कोई रिस्क है? तो प्रेफरेंस या डिविडेंड जो होता है वो कभी फिक्स नहीं होता। इसमें दो तरीके के प्रेफरेंस या डिविडेंड होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। आपको देना भी पड़ सकता है और आपको नहीं भी देना पड़ सकता, तो रिस्क ही नहीं है। मैं रिस्क उसको मानता हूं, या आप भी अपने लाइफ में उस चीज को करने से दूर हटते हो जहां पे आपको वो काम करना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल देते हैं, भाई प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है, क्या इसमें कोई रिस्क है? नहीं है। तो यानी चैप्टर का हम देखा जाए तो चैप्टर के अंदर दो पार्ट ऐसे हैं जो कि रिस्की हैं, और वो क्या है, एक फिक्स कॉस्ट और एक। अच्छा, इंटरेस्ट को आपने कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट के खर्चे को कहाँ दिखाते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस में अगर दिखाने की बात करें तो उसको बोलते थे फाइनेंशियल कॉस्ट। किसके इंटरेस्ट की बात जब भी आ जाए ना तो वहां फाइनेंस आ जाता है, क्योंकि आप कभी भी जाओगे तो आप क्या करवाते हो, नॉर्मली फाइनेंस करवाते हो आप सामान, तो फाइनेंस करवाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो, ब्याज कितना लगेगा। तो इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट जानने के लिए एक हम सीखेंगे इसमें, मैंने बताया फाइनेंसिंग लीवरेज। तो फाइनेंसिंग लीवरेज किससे कनेक्टेड होगा? इंटरेस्ट से। एक मैंने बताया हम सीखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे होगा, वो आराम से सीखेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरत हो, जैसे रेंट। अगर मैं रेंट नहीं दूंगा, मेरे पास प्लेस ही नहीं है, तो बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता। तो रेंट कौन सा पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आप बताइए किससे कनेक्टेड होगा? इंटरेस्ट से होगा, टैक्स से होगा, फिक्स कॉस्ट से होगा, वेरिएबल से होगा? फिक्स कॉस्ट से होगा। तो यानी दो चीजें पता चल गया, अगर हमें ऑपरेटिंग लीवरेज सीखना है तो फिक्स कॉस्ट का रिलेशन समझना होगा कंट्रीब्यूशन और EBIT से। अगर हमें सीखना क्या है, फाइनेंसिंग लीवरेज, तो हमें रिलेशन समझना होगा इंटरेस्ट और EBT, मतलब इन दोनों का रिलेशन, या इन तीनों का जो बीच में होता है ना, इन्हीं का रिलेशन समझना होता है। कंबाइन लीवरेज, कंबाइन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो कंबाइन आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या देखा, एक इनकम स्टेटमेंट। हम इसके अंदर ये भी प्रूव करके देखेंगे, मैंने क्या कहा था, सेल्स अगर मान लेते हैं कि हमारा 1,000 से कितना हो जाए, 1,500 हो जाए, सपोज 1,000 से 1,500, तो लेकिन मेरा प्रॉफिट जो है ना, सेल्स अगर मैं 1,000 से, चलो मैं यहां पे करके भी दिखाता हूं, यहां पे कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप देखना यहां पे इंपैक्ट दिखेगा और इस इंपैक्ट को डिटेल में समझेंगे, अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं सेल्स को क्या कर रहे हैं हम, 1,500, कितने परसेंट सेल्स बढ़ा दिया आपने, 50% बढ़ाया ना, तो प्रॉफिट भी कंपेरेटिवली हम सोचते हैं सेल्स 50% बढ़ा तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा, 50% ना, जो नॉर्मली हम नॉर्मल पर्सन सोचते हैं। तो वेरिएबल 40% है तो 40% कितना होगा, 600, बचे कितने, 900। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है भाई, बचे कितने, अब देखिए पहले कितना प्रॉफिट था, पहले कितना था, अब हो गया 700। परसेंटेज के टर्म्स में बात कर लें एक बार, तो 300 का डिफरेंस आ गया, और 300 का डिफरेंस किस पे आया, 400 पे, और मल्टीप्लाई 100, तो देखो ये करीब करीब कितना पहुंच जाता है, मैं एक बार कैलकुलेट करके बताऊं, तो
तो हमारा प्रॉफिट 50% तो नहीं दिख रहा भाई, 50% तो बोलते कि भैया 400 से अगर आपका 600 हो जाता है तो 50% होता है, लेकिन यहाँ 400 से 600 तो नहीं हो रहा, तो 300 डिवाइडेड बाय 400 इनटू में 75%। तो आपने देखा सेल्स कितना बढ़ा और प्रॉफिट कितना हो गया। ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे जो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमें ऐसे किन बातों का ध्यान रखना है सेल्स को बढ़ाते या घटाते टाइम पे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एकदम मतलब के ज़्यादातर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फिक्स कॉस्ट पे काम ज़्यादा करती है, तो रिस्की फैक्टर है। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ये सारे हम टूल सीखेंगे एक तरीके से, सिंपल सी बात करें तो। लीवरेज मैंने फर्स्ट टाइम पे क्या बोला, एफर्ट कम और रिजल्ट, यही देखा था ना। अब यहां पे भी देखो एफर्ट क्या है, कम है, और रिजल्ट क्या है, ज्यादा है। तो लीवरेज का बेसिक थीम है, अगर थ्योरी भी आता है आपका इसका एग्जाम के अंदर कि लीवरेज क्या होता है, तो लीवरेज में इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, जब थ्योरी वाले पॉइंट्स पे आएंगे तब हम देखेंगे, और बाकी इसके अंदर सारे टाइप्स के लीवरेज हम एक्सप्लेन करेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो एक बार फटाफट से अभी आपने क्या समझा, मैं अभी सिर्फ बोलूंगा कि आपने जो समझा है सिर्फ और सिर्फ समझा है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट को ही आपने नोट करने हैं और किस कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, बस इसको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, सेल्स इज इक्वल टू वीसी, वीसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, एफसी क्या है, फिक्स कॉस्ट, और प्लस प्रॉफिट हमारा इसका, तो ये बनता है हमारा सेल। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिए, और जिन बच्चों का डाउट है उनसे मैं पूछ लेता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा निधि, एक बार एप्लीकेशन क्लोज करके फिर ऑन करिए। चलिए देखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दो तरीके से निकाला जा सकता है बेसिकली। एक आपको जब सिंगल ईयर का डेटा गिवन हो, सिंगल ईयर का समझते हो, एक साल का दे दिया, जब आपको कंपैरिजन नहीं करना हो। वैसे इसके दो फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूले का मैं अभी डिस्कस करूंगा, दूसरे फॉर्मूले को मैं लिखूंगा, लेकिन इस पर डिस्कस अगर टाइम मिलता है तो हम करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। हमारा क्या है यहाँ पे, अभी देखा हमने इनकम स्टेटमेंट, सर इनकम स्टेटमेंट में आपने देखा क्या सेल्स है, सेल्स में से माइनस किया वीसी, वीसी को माइनस करते ही क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया एफसी, और एफसी के बाद क्या आ गया ईबीआईटी। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बताना है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में क्या है। तो यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कोई इनटू में 100 नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट में आंसर आएगा इसका, इनटू में 100 नहीं लगाना। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा इसका आंसर 1 से अबव या 1 हो सकता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि हमेशा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ईबीआईटी क्या होगा, कम होगा, तो डिवाइड तो इसी से कर रहे हैं ना। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, जो सबसे पहले यानी ऊपर वाले को हम नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है याद रखने का, कि क्या हो गया ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। सर अब मैं एक, इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक पार्ट का डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद क्या आता है ईएटी। तो जैसे फॉर्मूला ये ड्राइव किया है, अच्छा ईबीटी है ना, ईबीटी होता है ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। आपने किसके बीच में कनेक्शन निकाला सर, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में कनेक्शन लगा निकाला, और आपने क्या कर दिया सर, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किससे कर दिया, ईबीआईटी से। पहले मैं फॉर्मूला क्या बनता है वो लर्निंग का बता रहा हूं, ताकि आपको याद रहे, फिर हम समझेंगे बाद में इसको। आप खुद बना सकते हैं क्या, फाइनेंशियल लीवरेज किससे कनेक्टेड होता है, मैंने बताया था फाइनेंशियल किससे कनेक्टेड होता है, फाइनेंशियल का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर नीचे देखो तो इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव हो सकता है, लॉजिक लगाओ, बस यही फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं अभी, मैंने बोला था कि मैं अभी नहीं करूंगा, शायद टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। लास्ट में कंबाइन है, कंबाइन लीवरेज कहता है कि आप कंबाइन लीवरेज की बात करते हैं, कंबाइन मतलब इन दोनों को जोड़ा जाए, और कंबाइन का मतलब क्या होगा कि मैं फिक्स कॉस्ट का भी इंपैक्ट देख लूं और इंटरेस्ट का भी इंपैक्ट अगर देख लूं, दोनों को इकट्ठा में देखना चाहता हूं, तो कंबाइन आएगा।
तो अब फिक्स कॉस्ट से अपर पार्ट देख लो और इंटरेस्ट के बाद वाले का पार्ट देख लो, तो आपको क्या नजर आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, एक तो ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। इसको सॉल्व करते हैं और करते हैं, मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका कंबाइन आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, तो आप रिजल्ट देखोगे ये तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, तो इसका एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला है इसका जो जिसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, पहले बताइए ये आपको, देखो याद रखना नहीं पड़ेगा इतना क्वेश्चन, इतने हम प्रैक्टिस करेंगे कि नॉर्मली याद हो जाएगा और इसमें आप समझ भी रहे होगे। इम्पैक्ट अगर ऑपरेटिंग पूछा जाए तो किससे कनेक्शन है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला आप इनकम स्टेटमेंट याद रखो, नीचे डिवाइड करोगे इजीली आ जाएगा। और फाइनेंसिंग में किससे कनेक्शन है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से अपर पार्ट में क्या लिखते थे, इंटरेस्ट के बाद क्या लिखते थे वो आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कंबाइन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों के इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट के दोनों को इन्वॉल्व करके एक फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, एग्जांपल मैंने आपको दिया सेल्स, सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80% या 60%, फिक्स कॉस्ट 5000, फिक्स कॉस्ट के बाद 10% डिबेंचर रुपीस 1 लाख, फाइंड DOL, DFL, DCL, तीनों चीजें निकालना है आपको। ये क्वेश्चन जानकारी दे रखा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, और आप देखोगे जब मैं नोट्स भी दूंगा और आप ऑब्जर्व भी करोगे, कॉलेज वगैरह जो जा रहे हैं बच्चे रेगुलर के उनको भी पता चल जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आता है 7 नंबर में। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने लायक है ही नहीं। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमारा पता है कब काम आसान हो जाएगा, एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट अगर तैयार कर लिया जाए ना तो काम आसान हो जाएगा जल्दी जल्दी करने में ना। तो हम क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं इसको सॉल्व करने का, ताकि एग्जामिनर क्या बोले कि सब कुछ कर दिया स्टूडेंट ने इसी में। तो मैं इसका आंसर यहां करने जा रहा हूं। पहले तो हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स तो है नहीं, है सेल्स, है सेल्स कितने का आ गया 1 लाख, माइनस क्या करते हैं वीसी जो कि 60%, तो ये क्या निकल के आएगा बताओ, कितने का 40। अब क्या माइनस करें, क्या क्वेश्चन में है 5000, तो अब क्या निकल के आया ईबीआईटी। अब क्या माइनस करें, इंटरेस्ट। सर क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट तो नहीं दे रखा लेकिन इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, निकाल सकते हो क्या इंटरेस्ट, कैसे आएगा 10% है लोन अमाउंट 1 लाख का है, तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। नाउ हमारे पास आ गया 25,000, चलिए सबको रख लेते हैं। ये वाला पूछा है ना एग्जामिनर ने, ये भी पूछा है, ये भी मैं तीनों निकाल के दिखाता हूं। ये वाला पूछा है तो कंट्रीब्यूशन चाहिए जो कि क्या है डिवाइडेड बाय 35, ये क्या आ जाएगा 1.0 तो आ ही नहीं सकता, 1 से ऊपर ही आएगा हमेशा 1.14। ठीक है, अभी हम इसका रिलेशन समझेंगे बाद में धीरे धीरे, पहले तो जो सिंपल हमें पता है वो ये निकाल ले। अगर ये निकालने को बोला जाए तो ईबीआईटी क्या है हमारा और डिवाइडेड बाय 1.। अगर कंबाइन पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और 1.14 इंटू में 1.4 करके भी निकाल सकते हैं, यानी जैसे कि एक मैंने यहां बताया 1. आप 1.4 भी रख सकते हो और इंटू में 1.4, तो रिजल्ट आएगा 1.59। ये ज्यादा इजी है। अगर आप बोलते हो सर इस तरीके से करके दिखाओ तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 40 और डिवाइडेड बाई 20,
फाइव, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसी को दो तरीके से किया जा सकता है जो मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाय 25, तो ये भी 1.6 आ रहा है इसका आंसर, आप चेक करोगे ना, वेरीफाई जरूर करना। तो 59 और 6 बात एक ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा डेसिमल नहीं लिया। तो एक बार फटाफट से मैंने इसका, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज बेसिस पे होता है जब दो साल का डेटा गिवन होता है, मैं उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा है, वहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आता है, तो मैं तब बात करूँगा जब एक बार ये वाला पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एक बार नोट करिए।